सर्वेभ्य नमो नमः, अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी हिंदी व्याकरण के दूसरे पाठ को करेंगे। पाठ का नाम है आपका वर्ण विचार। वर्णों के बारे में आप जानते ही हैं कि आप जो अपनी भाषा प्रयोग करते हैं उनकी लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। आपकी लिपि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, वह आपके वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के बारे में आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं। हम अपने इस पाठ में भी, जैसे हमने पिछले पाठ में कुछ विशेष बातें की थी, तो हम अपनी इस वीडियो में भी इस पाठ की कुछ जो विशेष बातें हैं उन पर ही ध्यान देंगे। शेष आप अपनी वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, या जो आपके पास बुक है उसमें जो आपका वर्ण विचार वाला पाठ है उसको यदि आप पढ़ लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने वर्णों को अच्छे से जान जाएंगे। यहाँ पर आपकी वर्ण की जो परिभाषा होती है वह इन्होंने दी है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो भाषक ध्वनियों के लिखित रूप है। जैसा मैंने आपको अभी समझाया है कि जो हम भाषा प्रयोग करते हैं उनको लिखने के लिए जो आपके लिपि में कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं वह आपके वर्ण होते हैं। सबसे छोटी इकाई कहने से अर्थ है कि वर्णों के और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर इन्होंने वर्णमाला के बारे में बताया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह कहने से अर्थ है कि वर्णों की जो व्यवस्था है कि किस वर्ण के बाद आपका कौन सा वर्ण आएगा या स्वर के बाद आपके कौन से व्यंजन आएंगे, वह आपकी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को ही इन्होंने वर्णमाला कहा है। मानक हिंदी की वर्णमाला, मानक आपके जो आपने पहली वीडियो में पढ़े थे, जो नियम होते हैं जो सभी जगह मान्य होते हैं वह आपके मानक कहलाते हैं। उसके अनुसार आपकी हिंदी की वर्णमाला इन्होंने यहाँ पर बताई है। इसमें आपके स्वर हैं, स्वर आप देख लीजिए, अ आ इ ई उ ऊ रि ए आई ओ औ, यह है आपके स्वर हैं। स्वर के बाद जो आपके अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग होते हैं वह आपके आ स्वर के साथ आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जो उनका रूप होता है वह आपका इस प्रकार होता है और यह आपके हमेशा व्यंजन के साथ ही प्रयोग होते हैं। यहाँ पर आपके व्यंजन को इन्होंने दिखाया है। यहाँ पर इन्होंने आपके व्यंजन को वर्गों में विभाजित किया है, कावर, चावर, टावर, तावर और पावर। हर वर्ग में आपके पांच पांच व्यंजन है। यह जो आपका ड और ढा अलग से इन्होंने दिखाया हुआ है, यह आपके आगमन व्यंजनों में है। यहाँ पर आपका अंतस्थ, अंतस्थ में आपके यारा लावा है, आपके उष्म व्यंजन है, उसमें आपके तीनों ही सकार और आपका ह वर्ण है। संयुक्त व्यंजन आपके वे व्यंजन होते हैं जो आपके दो व्यंजनों के मेल से मिलकर बनते हैं, उसमें आपके अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, यह आपके संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर आपके आगत, आगत व्यंजन आपके वह होते हैं जो आपकी हिंदी भाषा में बाहर दूसरी भाषाओं से स्वीकार कर लिए गए हैं। यहाँ पर आपका ज, फ, ओ, यह आपके आगत व्यंजन है। स्वर और व्यंजन को जानने के बाद अपने हलन्ते चिन्ह के बारे में आप जान लीजिए। तो आपके वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, उन सभी में आपके आ स्वर लगा रहता है। जब तक आपके व्यंजनों में कोई भी स्वर नहीं होगा तो वह हलन्ते ही होंगे। यहाँ पर आपके उच्चारण के आधार पर हिंदी की वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। यह आपकी जो इन्होंने चित्र बनाया है इसमें आपका वर्ण, स्वर और व्यंजन दो भागों में दिखाया है। आपका यहाँ पर इन्होंने स्वर के भी फिर भेद किए हैं। स्वर के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है, वर्णों के उच्चारण में जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे आपके स्वर कहलाते हैं। स्वर को आप पहले ही जान चुके हैं, अ आ इ ई उ ऊ रि ए आई ओ औ, यह आपके स्वर है। यहाँ पर इन्होंने स्वर के भी तीन भेद किए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। वर्णमाला में स्वर के जो तीन भेद हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। ह्रस्व स्वर में आपके उच्चारण में कम समय लगता है और इन्हीं को हम अपने मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या आपकी चार होती है, आ ई उ रि, यह आपके मूल स्वर कहे गए हैं। दीर्घ स्वर में आपका जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है वह आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या आपकी सात कही गई है, आ ई उ आय ओ औ, यह आपके दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में आपके ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय लगता है। प्लुत स्वर का जो हम प्रयोग करते हैं वह किसी को पुकारने के लिए करते हैं। अधिकतर जो इसका प्रयोग किया जाता है वह आपके संस्कृत में किया जाता है। जो आपके प्लुत स्वर का चिन्ह होता है वह आपके
तीन इस रूप में होता है। स्वरों के दो प्रयोग इन्होंने बताए हैं, स्वतंत्र रूप से और मात्रा के रूप में। आप अपने स्वतंत्र रूप को देख लीजिए। शब्द के आदि, मध्य या अंत में स्वरों को मूल रूप से प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जैसे अभी आप देखेंगे, जो आपके स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले स्वर हैं वे आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। आम, इमली, ईद, उल्लू, ऊन, ए, एनक, ओस, औरत, आओ, खाए आदि। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके स्वर हैं वह सामान्य रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं अपने ही रूप में। मात्रा का रूप इसका दूसरा प्रकार का रूप है, जिस रूप में स्वरों को प्रयोग किया जाता है। जब कोई स्वर आपके व्यंजन के साथ मिलता है तो वह अपनी मात्रा के रूप में ही आपको दिखाई देता है। यहाँ इस तालिका में इन्होंने आपके स्वर और उनकी मात्राएं लिखी हैं, और जब वह आपके व्यंजन के साथ मिलेगा तो उसका किस प्रकार से रूप आपको दिखाई देगा वह इन्होंने यहाँ पर इस तालिका में दिखाया हुआ है। आप इसको अपनी वीडियो रोक कर देख सकते हैं। अपने स्वर के बारे में सभी ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पर जो इन्होंने विशेष बातें बताई हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिए कि रा के साथ जो आपकी उ और उ की मात्राएं होंगी वह अलग तरह से जुड़ती है। सभी व्यंजनों में आपकी उ और उ की मात्राएं नीचे लगती हैं, लेकिन जो आपका रा व्यंजन है उसमें आपकी उ की मात्राएं बीच में लगती है। जैसे आपका रुपया, करुणा, गुरु, रूप, जरूर, रूखा आदि सभी में लगी हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपका व्यंजन के साथ जो आपका ई का उच्चारण होता है, यदि उससे पहले आपका स्वर रहित व्यंजन है तो आपकी ई की मात्रा स्वर रहित व्यंजन से पहले लगेगी, जैसे इन्होंने शक्ति व्यक्ति में लगाकर दिखाया है। री, री के बारे में इन्होंने बताया है कि जो आपके री का प्रयोग है वह तो सामान्य रूप से तो आपका संस्कृत में ही प्रयोग होता है, लेकिन जो उसका उच्चारण होता है वह आपका री की तरह होता है। किंतु जब हम अपने लिखित में री का प्रयोग करते हैं तो अपने स्वर के रूप में ही करते हैं। जैसे ऋतु, ऋषि, ऋचा आदि, ऋतु ऋषि नहीं लिखेंगे, यह इसका शुद्ध रूप होगा। यहाँ पर आपका ओ आपकी आगमन ध्वनि है, जो आपकी अंग्रेजी शब्द से हिंदी में इसी प्रकार से स्वीकार कर ली गई है। इसके जो आपके शब्द होंगे वह आपके डॉक्टर, ऑफिस, बॉल, रॉकेट, कॉलेज आदि। इस ध्वनि को आपके आगमन ध्वनि में बताया जाता है। आयोगवाह में आपका हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त जो आपकी दो ध्वनियाँ होती हैं अंग और अह, वह आपकी आयोगवाह कहलाती है। वह ना तो स्वर होते हैं और ना ही वह व्यंजन होते हैं, क्योंकि वह स्वर के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन प्रयोग हमेशा व्यंजन के साथ ही होते हैं। इस रूप में आपका जो आयोगवाह है उसकी गणना न स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजनों में। जो आपके आयोगवाह वर्ण स्वीकार किए गए हैं उनके बारे में जान लीजिए। अनुस्वार, अनुस्वार में आपका इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई देता है। इसका उच्चारण आपके स्वर के बाद होता है और इसकी ध्वनि आपकी नाक से निकलती है। जो आप इसका उच्चारण करते हैं वह नाक की ध्वनि से करते हैं। जैसे आपका अंगूर, गंगा, चंचल, पंडित आदि। विसर्ग, विसर्ग की ध्वनि आपकी ह के समान होती है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत में ही प्रयोग होता है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः आदि। अनुनासिक, अनुनासिक का जो आपका चिन्ह होता है वह आपके चंद्र बिंदु के समान होता है। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आपका चांद, गांव, सांप आदि। अनुनासिक स्वरों का गुण है कि वह आपके सा अनुनासिक भी होते हैं, जैसे आ, आ, ई, ई आदि। यदि शिरोरेखा की मात्रा हो तो चंद्र बिंदु को बिंदु के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे गेंद, नींद आदि। अब आप अपने अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप इसको विस्तार से जान ही चुके हैं तो अंतर आप इसको आसान से कर सकते हैं कि जो आपके अनुस्वार होते हैं वह नाक से उच्चरित होते हैं, जो आपके अनुनासिक होते हैं वह नाक और मुंह दोनों से उच्चरित होते हैं। अनुस्वार की जो ध्वनि होती है वह आपकी कुछ तीव्र होती है, और जो आपके अनुनासिक की ध्वनि होती है वह कुछ आपकी धीमी होती है, जैसे आपका दंत और दांत इन्होंने उदाहरण के रूप में बताए हैं। स्वर को जानने के बाद आप अपने व्यंजनों को जान लीजिए, जो आपके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण के समय हवा कुछ रगड़कर या रुककर मुख से बाहर निकलती है तो वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के आपके तीन इन्होंने भेद बताए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अभी जो आपने अपने व्यंजन के तीन भेद देखे हैं उसमें आपका जो स्पर्श व्यंजन है वह आपका का से मा तक 25 स्पर्श व्यंजन कहलाए गए हैं, जिसमें आपकी जिह्वा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। स्पर्श करने के कारण ही यह आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर आपके स्पर्श व्यंजन की एक तालिका इन्होंने बनाई हुई है। इसमें आपके वर्ग का नाम है, यहाँ पर आपका उच्चारण स्थान है, और यहाँ पर आपके किस प्रकार के वह व्यंजन है उनको यहाँ पर इन्होंने बताया है। जैसे आपका कावर्ग है, कावर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। कंठ में आपके जो आपके कंठ से उच्चरित होते हैं वह आपके क, ख, ग, घ, ञ
है, इनको आपको कंठे भी कहते हैं। चावर में आपका तालु इसका उच्चारण स्थान है, यह आपके तालु से उच्चारित होने के कारण तालव्य कहलाते हैं, च छ ज झ ञ। टावर में आपका मूर्धा से यह उच्चारित होते हैं, मुख की छत से जो आपके मूर्धा वाला स्थान होता है उससे यह उच्चारित होने के कारण मूर्धन्य कहलाते हैं, ट ठ ड ढ ण। तावर में आपका दंत्य, दंत का प्रयोग होता है जीभ के ऊपर के दांतों पर लगने से यह आपके उच्चारण होते हैं, त थ द ध न। पावर, पावर में आपका ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान है, दोनों होठों की सहायता से यह जो आपके व्यंजन है यह उच्चरित होते हैं, प फ ब भ म। यहाँ पर आपके अंतस्थ व्यंजन जो है वह आपके, इन्होंने बताए हैं कि जब आपकी जीवा मुख के किसी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती और आपके स्वर और व्यंजन के बीच में होने के कारण इन्हें आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके य र ल व चार प्रकार के अंतस्थ व्यंजन बताए हैं। यहाँ आप अपने ऊष्म व्यंजन के बारे में देख लीजिए, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो हवा की तेज गति से मुंह में एक घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है और हल्की सी सीटी की आवाज सी आती है, इस कारण आप इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्याएं आपकी चार है, श श स और ह। यहाँ पर आपके संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया गया है। अभी जो आपने अपने व्यंजन के तीन भाग देखे हैं उनसे आपका संयुक्त व्यंजन अलग है, क्योंकि यह आपके दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनता है। जैसे आपका इन्होंने यहाँ पर बताया है जो आपके संयुक्त व्यंजन है त्र, त्रा में आपका त और र दो व्यंजनों के योग से यह बना है, इसमें आपके शब्द बनेंगे त्रिभुज, त्रिलोक, त्रेता, पत्र, छत्र। यहाँ पर आपका श जो आपका व्यंजन है उसमें आपका क और श दो व्यंजनों के योग से यह बना है, इसके जो आपके शब्द हैं श क्षण, क्षत्रिय, रक्षक, भिक्षा। यह आपका ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा को कुछ लोग ज्या भी बोलते हैं, यह आपका क्षेत्रीय प्रभाव है। इसमें आपका जो व्यंजन है वह आपका ज और य दो के योग से बना है, यह आपका है ज्ञानी, ज्ञात, यज्ञ, प्रज्ञा, ज्ञान। कुछ लोग जो इसका उच्चारण करते हैं वह आपका ज्ञानी, ज्ञात, यज्ञ, प्रज्ञ और ज्ञान। यह आपका श्र जो आपका संयुक्त व्यंजन है उसमें आपका श और र का मेल होता है, यह आपके श्री, श्रम, श्रमिक, परिश्रम, श्रीयुत, इस प्रकार उच्चरित होता है। अब तक जो आपने अपनी वीडियो देखी है उसमें आपने स्वर और व्यंजन का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर आपकी कुछ विशेष बातें इन्होंने बताई है, जैसे आपकी इन्होंने कहा है कि हिंदी में अनेक प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन आपके वह सभी व्यंजन होते हैं जो आपके दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं परंतु उन्हें वर्णमाला में नहीं गिना जाता। जैसे इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, प और रा के योग से भी आपका संयुक्त व्यंजन बन जाता है, जो आपका पर और का और रा के योग से भी आपका कर संयुक्त व्यंजन ही है, लेकिन इनको आप संयुक्त व्यंजन की गणना में नहीं रखेंगे, परंतु जो आपके श, त्र, ज्ञ और श्रा रूप हैं यह आपके परंपरागत रूप से वर्णमाला में गिने जाते हैं, क्योंकि इनके लिखित जो रूप है वह स्वतंत्र रूप से बन गए हैं। इसके बाद इन्होंने विशेष रूप से बताया है कि लिखित व्यंजनों में आपकी अतिरिक्त भाषा में ड और ढ यह दो व्यंजनों का प्रयोग भी होने लगा है। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता, इनका प्रयोग केवल आपका बीच में या अंत में ही होगा, जो आपका शब्द की शुरुआत में आपके ड और ढ का प्रयोग नहीं होगा, यह आपके केवल बीच में या अंत में ही आ सकते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, पढ़, चढ़, गढ़, बुढ़िया आदि, यह आपका घड़ा, पेड़ा, जोड़, लड़का आदि। इसी प्रकार आपकी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ जाने के कारण कुछ विदेशी ध्वनियों को भी हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। लिखने के लिए पुराने वर्णों पर कुछ चिन्ह लगा दिए जाते हैं, जैसे आपके व्यंजन में इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है ज और फ, यह आपके उर्दू फारसी के शब्द हैं जिनको हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। यह आपका उदाहरण इन्होंने दिया है, जहाज, जरूरत, सफेद, फसल आदि। व्यंजन गुच्छ जो आपका व्यंजन गुच्छ होता है, जब दो भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं, जैसे सख्त, सख्त को इन्होंने खत, मृत्यु, मृत्यु का त्यु, प्यारा का प्या और क्यारी का क्या, यह आपके व्यंजन गुच्छ है। यहाँ पर इन्होंने आपको संयुक्त व्यंजन के जो लिखने के नियम है वह आपको बताए हैं। यदि आप अपने शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो आप उनको किस प्रकार लिखेंगे, यह आपका है कि व्यंजन के अंत में खड़ी पाई होती है, यदि अलग से आपके व्यंजन का संयोग है तो उसको हटाकर अगले व्यंजन के साथ जोड़कर लिखा जाता है, जैसे सच्चा, सस्ता, बच्चा, त्याग, मयान, न्याय आदि। यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यंजन से आपकी खड़ी पाई जो आपके पूर्ण होने का संकेत है वह नहीं है,
इसमें आपका केवल उनका आधा रूप ही आपको दिखाई दे रहा है। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई मध्य में होती है तो उनके नीचे का हिस्सा हटाकर अलग व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे हक्का, पक्का, वक्त, हफ्ता, क्यारी आदि। का और फा की जो आपकी खड़ी पाई होती है वह बीच में होती है, तो उनका रूप आपका आधे इस रूप में प्रयोग होता है। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों को लिखते समय उनके नीचे केवल हलंत का प्रयोग होता है। जिन शब्दों में आपकी खड़ी पाई नहीं होती वहाँ पर आप उनको आधा दिखाने के लिए हलंत्य कर देते हैं, जैसे आपका चिन्ह, विद्या, प्रसिद्धि, द्वारा आदि। यहाँ आपका ह, द, द ये आपके हलंत्य हो गए हैं। जो आपके नियम इन्होंने यहाँ पर बताए हैं यह मैं आपकी पहली वीडियो में जो आपके हिंदी मानक हैं उनमें पहले से ही बता चुकी हूँ। आप अपनी उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप अपनी हिंदी व्याकरण के लेखन कार्य और उनके बारे में और भी अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन में आपका जब स्वर रहित व्यंजन आपके समरूप व्यंजन से मिलते हैं तो उसे द्रवित कर देते हैं। यहाँ पर कहने से भाव है कि जब आपके एक जैसे ही सहवर्ण वाले व्यंजन होंगे तो वह आपके सात रूप में ही होंगे। जैसे इन्होंने का उदाहरण दिया है, यह आपका पक्का का और का आपका एक समान या एक वर्ण ही व्यंजन है। इक्का इसी प्रकार आपका उदाहरण है। यहाँ पर आप देखेंगे टा, टा आपका यदि आधा है और आपके पूर्ण टा के साथ आया है तो वह आपका इस रूप में पट्टी या आपका इस रूप में भी मिल सकता है और आपका पट्टी हलंत्य रूप में भी मिल सकता है। पट्टी और मिट्टी आपके इसका उदाहरण है। ऐसे आपके बहुत सारे शब्द हैं जो आपके एक सवर्ण वाले ही होते हैं। रा के विभिन्न रूप, यहाँ वाले भाग में आपके रा के विभिन्न रूप बताए हैं। रा के विभिन्न रूप को भी आप अपने हिंदी मानक से समझ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ भी समझ लीजिए, जब रा किसी व्यंजन से पूर्व आता है तो वह ऊपर वाले व्यंजन के शीर्ष पर चला जाता है, जो आपकी इन्होंने यहाँ पर स्थिति बताई है। और आपके रा का उच्चारण जो है वह आपके व्यंजन से जिस व्यंजन पर वह लगता है उससे पहले होता है, जैसे आपका कर्म, फर्श, जुर्म, वर्ण, संघर्ष, मार्ग आदि। यहाँ पर जो आपका रा है वह आपके अगले वाले व्यंजन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उसका उच्चारण है वह पहले ही हो रहा है। स्वर रहित रा को रेफ कहते हैं। जब आपका स्वर रहित रा किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ आए तो उसके नीचे लगता है, जैसे आपका प्र, क्र, ड्र, दर, मर, टर। यह आपके रा के इन्होंने रूप बताए हैं। आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो आपके उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान का जो हम भाग है और इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।